विंटर में बालों की देखभाल करना इतना आसान नहीं होता, वो भी मेरे जितने लंबे बालों की देखभाल करना। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाल जड़ से टूटने लगते हैं, साथ ही कुछ लोग बालों को वॉश करने में आलस दिखाते हैं, तो इस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो गाइस, इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं आपको बताऊंगी विंटर सीजन नेचुरल हेयर ऑयल। तो आइए ये ऑयल कैसे बना। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ हेयर केयर की वीडियो शेयर कर रही हूँ, और फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो गाइज, मैं आपके साथ इसी तरीके से वीडियो शेयर करते रहूँगी, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल बताऊंगी जो मैं इस सीज़न में, अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में यूज करती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैं सीज़न के हिसाब से ऑयल या कोई भी रेमेडी अपने बालों में लगाती हूँ, जिससे मेरे बालों की केयर अच्छे से हो पाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, ये है नारियल का तेल जो सर्दियों की वजह से जम गया है। अभी से अभी इतनी सर्दी भी नहीं पड़ी है और ये जम गया है। तो इसको आपको कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको बताया है। जैसी आपके बाल रूखे सूखे बेजान होते हैं या बीच बीच में से आपके बाल टूट रहे हैं, तो उसके लिए आपको वॉश करने से पहले, एक घंटे पहले इस तेल को लगाना है। और इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कैसे इस तेल को बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है। ये नेचुरल तेल है जो मैंने घर पर बनाया है। साथ ही अभी जो विंटर सीजन चल रहा है, इस सीजन में मैं कौन सा हेयर ऑयल बना रही हूँ ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी टिप्स, मेरी रेमेडीज कैसे लगते हैं। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपको यूज कौन सा तेल करना है। तो मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताऊंगी, सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो क्यों है और किस तरीके से आपको मस्टर्ड ऑयल से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है ये भी बताऊंगी, और कैसे इस तेल को बनाना है ये भी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ मस्टर्ड ऑयल के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, इस सीजन में हमारी सर्दियों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इस सीजन में अगर हम नारियल का तेल रात को लगा करके रख देते हैं तो एक परत सी जम जाती है, जिस तरीके से इसमें जम गया है ये हमारी स्कल्प पे भी जम जाता है नारियल का तेल। तो इससे क्या होता है, डैंड्रफ होता है। तो इसलिए मैं इसे रात को कभी भी यूज नहीं करती हूँ। अगर मेरे बाल रूखे सूखे बेजान लगते हैं तो आधा चम्मच के करीब आप शैम्पू में ऐड कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आप लगाते हैं। मैं आंवला रीठा शिकाकाय का शैम्पू ज़्यादा यूज करती हूँ, जो होममेड नेचुरल घर पर बनाती हूँ, और दूसरा शैम्पू भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो सरसों तेल के फायदे, एक तो गाइस इस सीजन में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है स्कैल्प पे, बहुत डैंड्रफ जम जाता है। तो इसके लिए अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं एक आसान सा उपाय आपको बताऊंगी। आपको लेना है सरसों का तेल, अपने बालों के अकॉर्डिंग जितना आपके स्कैल्प पे लगता है उस हिसाब से सरसों का तेल लेना है। उसमें आपको एक चम्मच के करीब नींबू का जूस मिक्स करना है, साथ ही जो नीम की पत्तियाँ होती है, कड़वी नीम जिसे बोलते हैं, उसका जूस निकाल करके इस ऑयल में मिक्स करके अच्छे से लगा लेना है। एक घंटे पहले सुबह लगा लेना है, गुनगुना करना है सरसों के तेल को, फिर लगा लेना है और अच्छे से जड़ों में एब्जॉर्ब करके लगाना है आपको। यूं अच्छे से जड़ों में अच्छे से जाना चाहिए, तो इससे आपका डैंड्रफ एक ही वॉश में रिमूव हो जाता है, तो बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं रहेगा मेरी तरह। इस तरीके से आपकी स्कैल्प हो जाएगी डैंड्रफ फ्री, और सरसों के तेल से नए बाल उगते हैं, साथ ही सफ़ेद बाल जो हो जाते हैं, सफ़ेद बालों को रोक थाम करने में मदद करता है सरसों का ऑयल। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं मिक्स करके इस तेल को बना रही हूँ आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें किस तरीके से बनाना है इस तेल को। तो गाइस, इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए लौंग के इतने सारे फूल, देख सकते हैं, तो लौंग चाहिए इसके लिए।
और करी लीव, करी लीव ये मीठी वाली नीम, वो तो मैंने आपको बताया कि अगर डैंड्रफ है तो कड़वी नीम का जूस निकाल करके आप सरसों के तेल में लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेथी के बीज हैं तो इनका पेस्ट बना करके भी आप बालों में लगाएंगे, अगर झड़ते बालों की समस्या इससे रुक जाती है तो ये आप देख सकते हैं मेथी के दाने, तो इनसे क्या होता है हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, बहुत अच्छे से हेयर ग्रोथ होती है। और ये है प्योर सरसों का तेल, तो आपको जितना बनाना है उस हिसाब से ले लीजिए। तो मैंने एक बड़ा बाउल यहाँ पे ले रखा है सरसों का तेल, तो यहाँ पे आपको मोटी लोहे की कढ़ाई लेनी है जो मोटी परत की हो, और पतली सी कढ़ाई नहीं लेनी है क्योंकि तेल जल जाएगा, तो तेल को जलाना नहीं है आपको। तो हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, तो इस तरीके से सरसों का तेल डालना है और इसको थोड़ा सा उबलने देना है, ये थोड़ा सा हल्का सा बहुत कम आंच में, इसको जीरो आंच में रखना है आपको ताकि ये अच्छे से पक सके, मतलब इसको खौलाना नहीं है बहुत तेज़ी से। और इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी के बीज, इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी। मैं आवश्यकता अनुसार इसमें लौंग डाल ली हूँ, आप देख सकते हैं 15 से 20 लौंग मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि हम जितना इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा तेल। और लौंग से क्या होता है, जहाँ पे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं ना, वहाँ पे आप कम से कम 5 मिनट तक का इस ऑयल से मसाज करिए, और सिर्फ लौंग के ऑयल से मसाज करने से वहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ होते हैं, नए बाल आते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये है करी लीव, तो मैं इसमें आप करी लीव डाल दूँगी। करी लीव के फ़ायदे मैंने काफ़ी बताए हैं आपको, अगर 5 से 10 पत्ते आप सुबह खाली पेट करी लीव खाते हैं तो इससे भी आपका हेयर फॉल जो हो रहा है बहुत ज़्यादा वो रुक जाएगा। अगर जो हम चीज़ खाते हैं ना लगाने से ज़्यादा अगर खाएंगे तो उसका असर और भी अच्छा होगा। उसके बाद लगाना है बाहर से जो ऑयल मैं बना रही हूँ, ये बाहर से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा, और अंदर से जो हम खाएंगे, जो बाल अंदर से उगते हैं हमारे, वो हमारे खान पान की वजह से अच्छे होते हैं। तो बाहर से ये बालों का अच्छे से देखभाल करेगा ऑयल, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है जैसे कि मैं पका रही हूँ, और गैस को हाई नहीं करना है, ऐसे ही ये पकता रहे और इसमें से हल्की सी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज ये देखिए तेल बनके रेडी हो गया है, और इसमें चटर पटर की हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, जब ऐसी आवाज़ आने लगे तो आपको गैस बंद कर देनी है। इसको आपको रखना है आधे घंटे के करीब, इसी तरीके से रख लेना है, उसके बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप किसी भी बाउल में रख सकते हो, किसी भी बर्तन में रख करके, अगर जो कांच की बर्तन आपके पास हैं तो उसमें रख करके इसको धूप में रख दीजिए, और उसके बाद इस तेल की क्वालिटी और भी बढ़ जाएगी। रोज़ इसको धूप में एक हफ्ते तक रखिए, अगर तेज़ धूप है तो ये तेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही नेचुरल तेल है। एक बार लगा करके देखिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही बेस्ट ऑयल है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं इस ऑयल का कलर नेचुरली किस तरीके से काला हो गया है, और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में आ गया है, और आपको इस तरीके से सर को डाउन घुटनों की तरफ करके आपको अच्छे से 5 से 10 मिनट मसाज करना है, रात को मसाज करना है। उसके बाद आपको लूज सी एक चोटी बना लेनी है, चोटी बनाने के बाद सुबह बालों को अच्छे से खोलने के बाद कंघी कर लेनी है, कंघी करने के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं करना है, जो सल्फेट फ्री हो ऐसे शैम्पू का यूज करें, ऐसी चीज़ों का चयन करें, तो आपका हेयर फॉल कभी भी नहीं होगा। आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।